सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को एक नवीन नाम भी दिया है, हनुमान। हनुमान हनुमान हनुमान। लौट आए हैं बाल हनुमान, मौत के मुख से वापस आए हैं केसरी नंदन मारुति, और आते ही अपनी माता के पास पहुंच गए हैं। माता उनके लिए ही तो प्रार्थना करती थी, वायु देव ने प्राण वायु को रोक लिया था, इसलिए माता के प्राण भी संकट में थे। अचेतन अवस्था में वो अपने पलंग पर लेटी थी। बाल हनुमान अब माता के पास बैठे उन्हें अब किसी भी प्रकार की मस्ती ना करने की और उन्हें छोड़कर नहीं जाने की बात भी कर रहे थे और कान पकड़कर माफी भी मांग रहे थे। अंजना के प्राण जा चुके हैं, वो मूर्छित हो चुकी है, क्योंकि वो जब वायुदेव ने वो हवा वापस खींच ली थी इस संसार से, सृष्टि से, तो सबकी सांस रुक गई थी। और मैं फिर भी नाचती रही, नृत्य करती रही, और मैं एक्चुअली मेरे प्राण जा चुके हैं और फिर ये मतलब वापस आता है। एंड आई थिंक बहुत ही सैड सीन है, मैं तो उसमें सीन में सो रही हूँ, बट मैं आई वॉज फीलिंग इट कि अगर ऐसा कभी हो और मेरा बच्चा आई थिंक मेरे पास आकर, अगर मुझे कुछ हो जाए और मेरा बच्चा आए मेरे पास और बोले माँ उठो, तो कैसा फील होगा। आई थिंक इट्स हार्ट रेंचिंग। आई थिंक एक माँ का जो रिश्ता होता है अपने पुत्र या पुत्री जो भी है अपने बच्चे के साथ, आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट, सबसे अनमोल रिश्ता होता है वो इस इस दुनिया का। माता अंजनी को जैसे ही अपना लाल मिला, मानो नया जीवन दान मिल गया। वो मूर्छा से जाग गईं और अपने लाल को छोड़ने आए देवताओं को देखकर अचंभित रह गईं, और हाँ थोड़ी चिंतित भी, क्योंकि इनका लाल अब और भी ज्यादा शक्तिशाली बनकर आया है, दैवी शक्तियां पाकर आया है। नहीं, अब मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। कुछ कह नहीं सकते एक्चुअली, क्योंकि हनुमान इतने नटखट हैं और अब तो और भी शक्तियां लेकर आए हैं, सारी देवों की शक्तियां लेकर आए हैं, तो अब पता नहीं क्या क्या करेंगे, बट फिलहाल तो वापस आ गए हैं एंड अब देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, मित्रों के साथ खेलने जा सकता हूँ, फिर गदा मिलेगी, गदा से दुश्मन को मारूंगा, कहीं ना कहीं तो जाऊंगा। बाल हनुमान की एक बहुत बड़ी और रोचक लीला समाप्त हुई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लीलाएं यहाँ रुक गई हैं। बाल हनुमान अभी कई और लीलाएं दिखाएंगे और दर्शकों का खूब मनोरंजन करेंगे। अब कुछ नटखट लीलाएं दिखेंगी और फिर से बाल हनुमान एक बड़े संकट को पार कर लेंगे। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP News Report।